टीवी के लॉन्चिंग के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनोरंजक कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग की दुनिया और लुभावनी हो गई है। यह नया और मनोरंजक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो हमारी टीवी स्क्रीन को और भी आकर्षक और दिलचस्प बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए आधिकारिक रूप से लॉन्चिंग के एक हिस्से के रूप में नमकीन टीवी अपनी लोकप्रिय फिल्म पहल कौन करेगा का प्रसारण कर दर्शकों को जबरदस्त ट्रीट देगा। आपको बताते चले कि इंटरनेट पर नमकीन टीवी सबसे मजेदार और बेमिसाल मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। नमकीन टीवी के शोज, मूवीज और सीरीज में बेहद दिलचस्प कंटेंट रहता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्षेत्रीय और दुनिया भर के बेहतरीन कार्यक्रमों का संगम मिलेगा। इन कार्यक्रमों को हर एक की दिलचस्पी और पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्लेटफॉर्म की आधिकारिक लॉन्चिंग से काफी पहले नमकीन टीवी की ओरिजिनल फिल्म पहल कौन करेगा अपने दिलचस्प प्लॉट, कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस और फिल्म के अंत तक सेट पर बांधे रहने की विशेषता के कारण पहले ही दर्शकों में काफी लोकप्रिय हो चुकी है। सबसे पहले मैं नमकीन टीवी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं केशव आर्या जी को बधाई के पात्र हैं आप, बहुत बेहतरीन आपने एक्टिंग की इसमें। और पहल कौन करेगा ये जो कंसेप्ट है, यानी हमारे देश में अभी जो धर्म के ऊपर जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम विवाद में बहुत खुल के बोलूंगा, उसके ऊपर आपने जो स्टोरी किया, बेसिकली स्टोरी नहीं फैक्ट है, इमोशंस है। और इसमें देश के कोने कोने से लोग आए हैं, मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय एडवोकेट श्वेता कौशिक जी भी यहाँ मौजूद हैं, अरोड़ा जी यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने इस कंसेप्ट में पहली बार हिम्मत दिखाई। लोगों केवल एंटरटेनमेंट के ऊपर कंसेप्ट बनाते हैं, जमीनी तथ्यों के ऊपर नहीं। तो अब वक्त है कि जमीनी तथ्यों को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में लाया जाए। तो आई थिंक नमकीन टीवी ने, अब तक लोग केवल मीठा बांटते थे और आप जानते हैं देश जो है डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है, तो नमकीन टीवी ने कहीं ना कहीं एक शुरुआत की कि से नो टू डायबिटीज एंड से गुड टू ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स जो भारत में गठित है, उसी के ऊपर बात करें। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।